एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट मानसी और मेरे साथ एक होस्ट वाला मेरी चाची। हेलो। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, टॉप 10 गर्लिश ब्लाउजेस। तो उसमें क्योंकि गर्ल्स को साड़ी पहनने का बहुत शौक होता है, वो भी तब ज्यादा हो जाता है जब फेयरवेल होता है, नहीं? बिल्कुल। और उसके बाद फिर भाई बहनों की शादी में, चाचा चाची की शादी में बहुत वो लगता है कि हम भी साड़ी पहने, हम भी अच्छे से लगे। तो बहुत ज्यादा रहता है लड़कियों को कि कुछ अलग सा पहने। तो हम आपको दिखाने वाले हैं टॉप 10 गर्लिश ब्लाउजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा नंबर 1 ब्लाउज है ये। तो इसका फ्रंट फुल नेट ब्लाउज है ये, आप देख सकते हैं। इसमें हमने बैक में इसके लिए डिजाइन किया हुआ है, डोम शेप लिया हुआ है, किया है। यहाँ पर हमने लाइनिंग लगाई है, यहाँ से ओपन है ये, यहाँ पर हमने हुक लगाया है टू फैसिलिटेट इट्स वेयरिंग। यहाँ से प्लेन प्रिंटेड पीस पर, प्लेन पीस पर समर में पहन सकते हैं। तो अब हमारा ब्लाउज नंबर 2 की टर्न आती है। ये हमारा स्वीट हार्ट स्टाइल में एक नेक है, चाइनीज कॉलर है। कॉलर पे हमने इसको अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें स्टोन बटन लगाए हैं। बैक पूरा कवर्ड है, आप इसे आराम से पहन के डांस कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। आप इसे किसी भी उस साड़ी के साथ पहन सकते हैं। ब्लाउज नंबर 2। हमारा थर्ड ब्लाउज जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, ये फुल नेट ब्लाउज है। इसमें बोट नेक है और इसमें थर्माकोल की गोलियां लगाई हुई है और इसके सेम हमने स्लीव्स के हेम पर भी लगाया है थर्माकोल बॉल्स कपड़े से कवर करके। इसमें आप बैक में यहाँ तक लाइनिंग है और यहाँ से नेक है। इसे आप साड़ी के अलावा लॉन्ग स्कर्ट पे, प्लाजो पे भी कैरी कर सकते हैं। एज अ क्रॉप टॉप ये देखने में बहुत हेवी लग रहा होगा लेकिन ये पहनने में बहुत लाइट है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। ब्लाउज नंबर 3। अब हमारे फोर्थ ब्लाउज की टर्न आती है। जैसे कि हमने बोट नेक बनाया है, आप इसे देख सकते हैं, मिरर वर्क है इस पर। आप इसे किसी भी प्लेन पीस पर पहन सकते हैं। ये देखिए, ये हमने जितने भी ब्लाउज लिए हैं सबकी लेंथ थोड़ा एक्स्ट्रा रखी है, जिससे कि आप इसे साड़ी के अलावा किसी भी चीज पे पहन सकते हैं, प्लाजो स्कर्ट लहंगे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी रहा हमारा फिफ्थ ब्लाउज। ये बहुत ही सिंपल ब्लाउज है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, लेकिन इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए हमने इस पे फ्रिल लगाया है। इट्स गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल डॉल लाइक लुक टू योर फेस। आप चाहें तो प्रिंटेड कपड़े का भी फ्रिल लगा सकते हैं, नहीं तो साड़ी के बॉर्डर से मैच करते हुए उसका फ्रिल लगा सकते हैं और इसे जैसे हमने किया है स्टाइलिश बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लाउज। अब हमारा नेक्स्ट ब्लाउज, इट्स रियली स्मार्ट। इसके कोल्ड शोल्डर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, इट हैज अ कोल्ड शोल्डर, चाइनीज कॉलर, फुल स्लीव्स। इसके बैक में भी डिजाइन है, जिसमें हमने ट्रेपेजियम शेप में नीचे कॉफी कलर्स से एक बॉर्डर टाइप बनाया है। ऐसा जो बॉर्डर है आप घर पर भी खुद भी बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रिप लगानी है, उसके बीच में बहुत सारी स्ट्रिप्स लगा के उसे थ्रेड से बांधना है बस। ऐसे प्रिंटेड ब्लाउज को आप किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं क्योंकि ये मल्टी कलर है। नेक्स्ट ब्लाउज, ये भी फुल नेट ब्लाउज है। इसमें थोड़े थोड़े स्टोन्स हैं, हमने इसके बैक पे फुल वो लिया हुआ है नेट और इसके इसको कवर किया हुआ है और इसके पर बटन्स लगा पूरे बटन्स क्लॉथ वाले, आप इसको स्टोन वाले लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं आप कंट्रास्ट में। देखिए विदाउट स्लीव्स है ये, वेरी सिंपल टू कैरी आल्सो। टाटा नेक्स्ट ब्लाउज।
ये बहुत स्पेशल है, बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज है। देखिए इसके ऊपर एक जैकेट है जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े बटन्स लगाए हैं जिससे ये और भी अच्छा लगे। और इसके अंदर है हमारा प्लेन पीस स्लीवलेस ब्लाउज, स्लीवलेस ब्लाउज है। उसके ऊपर ये नेक का जैकेट शर्ट टाइप, आप इसे किसी और पे भी पहन सकते हैं इस शर्ट को। इसे पहनने का एक और तरीका बहुत अच्छा ये है कि आप पहले इस प्लेन ब्लाउज के ऊपर साड़ी पहन लीजिए और फिर इसके ऊपर से एक बटन बंद कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा अलग लुक लाने के लिए। हमारा ब्लाउज, इसका जो नीचे हेम है वो भी इधर से हमने ऐसे एक पॉइंटेड बनाया है इस तरीके से जाता हुआ पेंसिल टिप। किसी भी आप साड़ी के अलावा प्लाजो पर, लॉन्ग जैकेट पर, जैकेट यूज कर सकते हैं किसी भी टॉप पर, क्योंकि लड़कियां साड़ी तो एक दो बार ही पहनती हैं। हाँ। लेकिन लॉन्ग स्कर्ट प्लाजो ये सब चलता है। और ये ब्लाउज ये आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं है इसमें तो, यहाँ पर एक नॉट बना सकते हैं बो स्टाइल में, फ्लावर स्टाइल में, कुछ भी जो। और इसके अंदर आप अगर पीस बनाकर पल्ला डालेंगे इट विल लुक ऑसम। सामने से तो ये बिल्कुल सिंपल है, बैक से भी अगर हम इसकी बेल्ट हटा दें इट्स सिंपल। और अब आ गया ब्लाउज जो मैंने अपने फेयरवेल में पहना था, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि मैं अपने फेयरवेल में बिल्कुल यूनिक लगना चाहती थी एंड आई वाज एक्चुअली लुकिंग मोस्ट डिफरेंट। इसमें जो रेसिस्टेंस हैं बेल है और थ्री टायर्स, थ्री टायर्स आप चाहें तो फाइव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और मैंने इसमें नीचे पॉकेट का कॉलर है। हाँ। और ये इसका कॉलर हमने इतना ब्रॉड रखा है कि आपका जो पल्ला का पिन है वो पूरा कवर हो जाएगा। इसका एक फायदा और है, मैंने इसमें नीचे इसको कम्प्लीटली लूज करके इलास्टिक लगाया है जिससे कि आप मोटे हो जाओ पतले हो जाओ आराम से पहन सकते हो, नो टेंशन कि आपको इसे फिटिंग करानी पड़ेगी या कुछ। तो इधर हमारा लास्ट ब्लाउज, होप्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे ही आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।